हर हर महादेव। देखिए एक पंडित जी ने प्रश्न किया हुआ है कर्मकांड से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। वे कह रहे हैं आदरणीय आचार्य जी को सादर प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहता हूं एवं आपके उत्तमोत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आदरणीय आचार्य जी, मेरी एक शंका है कि क्या जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा हो तो हवन के समय उन मंत्रों से आहुति देते समय मंत्र के अंत में स्वाहा दो बार बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, एक बार ही बोलना चाहिए? प्रणाम। देखिए प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है कि कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें स्वाहा बाद में लिखा ही रहता होता ही है, जैसे इदम विष्णु चक्र में ये मंत्र है, इसमें स्वाहा अंत में है। और भी कई मंत्र हैं जिनके बीच में भी स्वाहा है, तो आहुति देते समय दो बार बोला जाए या बीच में है तभी डाल दी जाए? देखिए इसका समाधान शुक्ल यजुर्वेदीय यजुर्विधान नाम के ग्रंथ में दिया गया है। वहां लिखा है, पहले प्रश्न समझिए, कई तरीके के प्रश्न और हम कर रहे हैं आपके इसी प्रश्न के साथ और उन सब का समाधान करेंगे। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें स्वाहा अंत में लगा हुआ है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें अंत में स्वाहा नहीं है, बीच में ही स्वाहा आ गया है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें बीच में कई बार स्वाहा आ गया है, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें स्वाहा कहीं भी नहीं आया है। और अगर वेद के भाष्य ग्रंथों को देखा जाए तो यजुर्वेद में जो है वो यजुष ज्यादा है, तो कई कई मंत्रों को मिलकर के कंडिका बनी हुई है, तो मंत्र तो वहीं पूरा हो गया, तो क्या पूरे कंडिका का ही जो है सामान्य रूप से जो हम हवन करते हैं उसमें पूरा ही बोली जाएगी कंडिका, या वो वहां जैसे कि हमारा पहला मंत्र है उसमें चार मंत्र हो जाते हैं, छह हो जाते हैं, तो और देखने से पूरा एक मंत्र है तो एक कंडिका है, एक कंडिका में कई कई मंत्र है बीच में और उनके मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा हुआ है, तो क्या वहां बोलन आहुति गिरेगी? क्या दो बार स्वाहा बोलेगा? इस तरीके के कई प्रश्न हैं, उनका समाधान देखिए। पहली बात तो यह है कि जहां वैदिक कर्म करना है, श्रौत सूत्र के अनुसार कर्म होना है, तो वो कंडिका नहीं फिर वो मंत्र माना जाएगा। वैसे तो शुक्ल यजुर्वेद में 1975 कंडिका है, मंत्र नहीं है, मंत्र तो 5000 के समथिंग है, 5000 के करीब है, तो वो जो मंत्र है वो मंत्र वैदिक कर्मों में ही लिए जाएंगे। और स्मार्त कर्म में गृहयोक्त कर्म में गृह सूत्र के कर्म में या जो है स्मार्त कर्म में पौराणिक कर्म में कहीं वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका विनियोग कर रहे हैं, तो वहां वो पूरी कंडिका ही एक मंत्र मानी जाएगी, पूरी कंडिका का ही प्रयोग करना है, ऐसा आचार्यों का, भाष्यकारों का, हरिहर गदाधर आदि का, इन सबका ये मत है। उबट मईधर जी का भी ये मत है, यहाँ धर्म सम्राट के ने भी भाष्य लिखा है, वहां भी ऐसा है, यजुर्विधान में मुख्य रूप से ये है ही। तो ये है। अब रही बात स्वाहा की, तो जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा है उनमें चाहे वैदिक कर्म हो या जो है स्मार्त कर्म हो, सब में वो फिर स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाहा है उसी के स्वाहा के अंत में हवन होगा। और जिन मंत्रों के बीच में ही स्वाहा आ गया है, बाद में स्वाहा नहीं है, तो उनको बीच में ही आहुति गिरेगी और बाद के मंत्र का पाठ होगा केवल। यह विचित्र बात है, वहां जहां बीच में एक बार स्वाहा आया है और बाद में स्वाहा नहीं आया है, ऐसी ऋचाओं में बीच में ही आहुति गिर करके और बाद के यजुषया रिक का वो रिक शेष का यजुष शेष का केवल पाठ मात्र होगा। ये बात है।
और जिन मंत्रों के बीच में कई बार स्वाहा है और बाद में भी स्वाहा है, तो स्मार्थ कर्मों में जहां हम लोग कर रहे हैं गृहयोक्त कर्मों में जो प्रचलित है, वैदिक कर्म तो प्रायः अभी लोपप्राय हो गया है, लोग बहुत ही कम करते हैं, तो वहां उन सब में आहुति न गिर करके अंतिम वाली स्वाहा में ही आहुति गिरेगी। जैसे बीच में भी कई स्वाहा है बाद में भी है, तो बीच वालों में आहुति न गिर के अंतिम वाली स्वाहा में ही आहुति गिरेगी, ये बात है। लोमभ्यः स्वाहा तुचे स्वाहा, ये मंत्र है जो है, मंत्र को यहां पूर्ण रूप से बोलने की अनुमति नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो जो मंत्रज्ञ हैं वो समझ जाएंगे। और परंतु ये बीच बीच में जैसे लोमभ्यः का ही उदाहरण दे दिया, तो जो वैदिक कर्म हो रहे हैं जहां जो है विधान है, तो वहां वो प्रत्येक पे आहुति गिरेगी, है ना, क्योंकि वो वहां लिखा हुआ है, वो उसको ही मंत्र माना जा रहा है, ये बात है। और इस तरीके से कई में स्वाहा, शुरुआत स्वाहा से शुरू होते हैं, स्वाहा प्राणेभ्यः, है ना, तो वो सब बीच में भी स्वाहा आएगा, अंत में भी आएगा, तो अंतिम पे ही आहुति डालनी है। और जिनमें कई बार स्वाहा है बाद में नहीं है, तो उनमें स्मार्त कर्मों में बाद में स्वाहा लगा करके ही फिर आहुति गिरेगी, बीच वालों में नहीं गिरेगी। इस तरीके से कई हैं, और भी सूक्ष्म अंतर हैं। किसी कर्म विशेष में कहीं कोई प्रयोग कर रहे हैं तो वहां वो मंत्रांग को भी लिया जा सकता है, मंत्र बनाया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है। ये जो नियम बतलाया गया है ये सर्वसामान्य है। यदि कहीं विशेष कोई बात है, किसी कामना परक या कोई विशेष देवता का कोई मंत्र है, तो वहां अगर आचार्यों ने किसी मंत्रांश को भी स्वीकार किया है, तो वहां उतना भी लगेगा, पूरी कंडिका की आवश्यकता नहीं है, और उससे ही फिर हवन होगा, ऐसा भी कई जगह हुआ है। वेद की जो है व्याख्या, वेद के नियम बहुत विशाल हैं और वे प्रत्येक शाखा में बदल जाते हैं। ये नियम हमने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिनी शाखा के ये जो है यजुर्विधान के अनुसार बतलाया है, और भी शाखा वेद से और वेद भेद से ये नियम बदलते रहते हैं, कुछ उनके नियम अलग होते हैं, परंतु ये नियम लगभग सर्वसामान्य है और सर्वसामान्य लोगों के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव।